हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी सब्जियों को लेकर के सैंडविच, जो कि बहुत ही सरल तरीके से बनता है। कि आजकल के बच्चे जो हमारे हैं, ना हरी सब्जियाँ खाना चाहते हैं ना तो सलाद खाना चाहते हैं, तो ये सैंडविच मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप लोग भी अपने बच्चों को इसको ज़रूर बना करके खिलाएँ और आप भी खाएँ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ हरी सब्जियां कट कर ली हैं, जो कि कच्ची भी खाई जाती हैं। जैसे ये गाजर है, मैंने कद्दूकस करके ले लिया है, एक बड़ी गाजर थी। ये है थोड़ा सा पत्ता गोभी, बारीक बारीक काट लिया है। ये हरी धनिया है, टमाटर, ये मटर है जो मैंने दरदरा सा कर लिया है, हरी मिर्च और प्याज, और सबसे मस्त है आलू, क्योंकि आलू बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं, तो मैंने कुछ आलू भी उबाल करके ले लिया है। अब मैं इस आलू को मैश करूंगी। इस आलू को मैश करना है, हल्का सा फोड़ लेना है बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम हाथ से भी मैश करेंगे। मैंने आलू फोड़ लिए हैं, बस मैश करने के नाम पे हल्का सा फोड़ लिया है। अभी इसमें टुकड़े टुकड़े हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। इसमें मैं ऐड करूंगी सबसे पहले नमक टेस्ट अनुसार, काली मिर्च, ये वो भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये थोड़ी सी हरी धनिया। अब मुझे इसे अच्छी तरीके से हाथों से मिला लेना है। मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं तैयार करूंगी हमारी सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैंने कुछ ब्रेड ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इस पे लगाऊंगी देसी घी। आप इस पे बटर भी लगा सकते हैं, सर्दियों का सीजन है तो ये जमा रहता है घी, तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया है और इस पे घी लगा देना है। अब मैं इस पे लगाऊंगी चटनी। मैंने घी लगा के अब मैं लगाऊंगी चटनी, तीखी हरी वाली चटनी। बच्चों के लिए, अगर खास करके बच्चों के लिए जो बना रहे हैं, तो उसमें मिर्ची कम रखिएगा, आप लोग अलग से ले लीजिएगा। अब मैं इस पे लगाऊंगी जो मैंने आलू वाली स्टफिंग बनाई है ना, उसको इसको भी इस पे हल्का सा लगा देना है बस। मेन पर्पस हमारा है हरी सब्जियां और बच्चों को सलाद खिलाने का, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। ये मैंने इस पे आलू लगा दिया। अब मैं इस पे रखूंगी सारी अपनी हरी सब्जी। सबसे पहले मैं रखूंगी ये मटर, दरदरा दरदरा से जो मैंने कूटा है। अब मैं इस पे रखूंगी ये थोड़ी सी गाजर, मैंने गाजर रख दिया। और अब रखूंगी टमाटर। टमाटर अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है तो रख लीजिए, पर थोड़ा रखिए, क्योंकि बच्चे शौक से खा लें ना। थोड़े से प्याज के टुकड़े, छोटा छोटा टुकड़ा इसलिए करके रख रहे हैं कि बच्चे देखते नहीं हैं, इसको समझ नहीं पाएंगे, और जब बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो बच्चे निकाल के उसको बाहर कर देते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्च, ये अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हरी चटनी भी डाली है। और ये थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ा सा पत्ता गोभी। ये अब मैं एक ब्रेड की स्लाइस और लूंगी, इस पे लगाऊंगी लाल चटनी, या फिर आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। लाल चटनी, टोमेटो केचप, या फिर आप पिज्जा सॉस अगर बच्चे पसंद करते हैं, जो पसंद करते हैं वो लगा दीजिए। एक स्लाइस जो है ग्रीन चटनी वाली और एक ये रेड वाली। मैं डालूंगी थोड़ा सा
नमक, क्योंकि इसमें सब्जियों में किसी में भी नमक नहीं है, और थोड़ा सा चाट मसाला। ये चाट मसाला मैं डाल रही हूँ, अगर आप चाट मसाला डालते हैं तो डालिए, इसमें काला नमक होता है इसलिए इसको डाल रही हूँ, और नहीं तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये इस पे रख देना है, बस ये। अब मैं इसको सेकूंगी। मैं गैस जला के एक तवा रख दी, और तवे पे थोड़ा सा घी, आप बटर भी रख सकते हैं। मैं इस पे सेकूंगी इसको, मैं इसको अच्छे से सेक लूंगी, इस पे भी घी लगा लूंगी, इधर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अच्छी तरह से इसको भी सेक जाने देंगे। आइए, मैंने उधर भी सेक लिया, अब मैं इसको अच्छे तरीके से निकाल के रख लूँगी, इसको करूँगी कट। मैंने इसको सर्व किया है, आप लोग भी ऐसे बच्चों को बना के खिलाइए, बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो टेस्ट आएगा ही, आपके बच्चे सलाद भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, खट्टी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ, आप जैसा भी सर्व करना चाहते हैं आप वैसा ही सर्व करिए। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।